माझं सोलापूर न्यूज चॅनल। मराठा आरक्षणासाठी सर्व राजकीय नेते पाठिंबा देत असतानाच तौफिक शेख पहलवान यांनी देखील पाठिंबा दर्शवला आहे, पाहूयात। मान्यवरों ने अपने संचालन किए, मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का सोशल ग्रुप की जानी से सकल मराठा बांधों को जाहिर पाठिंबा देता हूँ। उसी तरह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागणों ने भी मराठा बांधों को पाठिंबा दिया है। तो आज पूरे महाराष्ट्र राज्य के हालात आप सब लोग देख रहे हैं, टीवी न्यूज पर दिख रहा है कि मराठा बांधों अपने हक के लिए, अपने न्याय के लिए जो पहले उपोषण को बैठे थे, अब रस्ते पर उतर रहे हैं, चक्का जाम कर रहे हैं। इसके ये सब करने के जो कारणीभूत है वो महाराष्ट्र राज्य की चालू सरकार है, जो सत्ते में बैठे है उनको, मराठा बांधव हो, मुस्लिम बांधव रहेंगे, धनगर समाज रहेंगे, दिगर जो भी समाज है उनको न्याय के लिए, हक के लिए जो लोग लड़ते हैं, जो रस्ते पर उतर रहे हैं उन्हें उनकी फिक्र नहीं है। और मनोज जरांगे पाटिल साहब एक मर्द मराठा है जो कि पूरे महाराष्ट्र राज्य के अंदर तमाम जो मराठा बांधव हर समाज के बांधव का आह्वान किए और खुद की जान की परवाह न करते हुए उन्होंने आह्वान उपोषण किया है। तो सरकार के लोग मंत्रीगण बोल रहे कि आप उपोषण पीछे लो, हम रास्ता निकालेंगे, बैठक करेंगे, ये सिर्फ आश्वासन देने का काम आज की सरकार कर रही है। इन्हें लोगों की जो महाराष्ट्र राज्य की जो जनता है इनकी उन्हें फिक्र नहीं है, परवाह नहीं है। सिर्फ राजकरण का उनका जो काम है वो सिर्फ काम सिर्फ राजकरण का काम सत्ते पर आना और धोखे जमा करना, ये आज के सरकार का काम है। मैं तमाम हमारे सोलापुर शहर के महाविकास आघाड़ी के सभी पदाधिकारी को मुबारकबाद देता हूँ कि आपने एक अच्छा डिसीजन लिया, अच्छा कदम उठाया कि हमारे दोस्त मौली पवार को, उनकी जो पूरी टीम है मराठा समाज बांधो को, जो आज आपने यहाँ पर पाठिंबा दिया है। मैं तमाम मंच पर बैठे हुए सभी नेतागणों को, सामने बैठे हुए सभी भाइयों को, बहनों को गुजारिश करता हूँ, अभी ये सरकार को अभी मालूम नहीं कि अभी सिर्फ आमरण उपोषण हो रहे, आंदोलन हो रहे, रस्ते पर उतर रहे, ये हमारे मराठा बांधों का हक के लिए, सच्चाई के लिए, हिसाब के लिए। लेकिन अभी उन्हें यह मालूम नहीं कि अभी इसके बाद मुस्लिम समाज आरक्षण है, धनगर समाज का आरक्षण है। हम सभी महाराष्ट्र राज्य के हर जाति धर्म के लोग एक होकर हम सब तमाम जितने लोग हैं हमारे आरक्षण के लिए, जितना मुद्दा है हम उनके हक के लिए, सच्चाई के लिए हम तो पाठिंबा दे रहे हैं, रस्ते पर भी उतरेंगे। और तमाम जो हमारे बांधों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और मुझे बोलने का मौका दिया, आपका भी आभार मानता हूँ, शुक्रिया, धन्यवाद। माझ सोलापूर न्यूज चैनल लाइक करा, शेयर करा, सब्सक्राइब करा विसरू नका। माझ सोलापूर न्यूज चैनल।